हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने नई फिल्म सूर्यवंशी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही अक्षय ने फिल्म सूर्यवंशी के पोस्टर्स को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। साथ ही ये भी ऐलान किया था कि उनकी ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। बता दें कि अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर भाईजान के फैंस नाराज हो गए थे, क्योंकि हर साल सलमान ही ईद पर अपनी फिल्म लेकर आते हैं। लेकिन खिलाड़ी कुमार ने सूर्यवंशी को ईद 2020 में रिलीज करने का ऐलान कर हर जगह खलबली मचा दी थी। लेकिन आपको बता दें कि अक्षय ने सलमान से बिना पूछे ही सूर्यवंशी को ईद पर रिलीज करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी खुद खिलाड़ी कुमार ने दी है। दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार एक इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए अक्षय ने सबके सामने कहा कि ईद पर फिल्म रिलीज करने को लेकर उन्होंने सलमान खान से किसी तरह की कोई बात नहीं की है। इसका मतलब ये है कि अक्षय ने सीधे सलमान से पंगा ले लिया है। वैसे आपको बता दें कि अक्षय कुमार और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने कई फिल्में साथ में की हैं और दोनों की बॉन्डिंग भी जबरदस्त है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। साथ ही इस फिल्म को करण जौहर प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिलहाल फिल्म के लीड एक्ट्रेस का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये है कि अक्षय के ऑपोजिट इस फिल्म में कौन नजर आता है। वैसे आप अक्षय की सूर्यवंशी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। We'll be right back.
भाई भाई इधर भाई 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 भाई